गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज चैप्टर इज ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, यानी कि ईंटें मनकें तथा अस्थियां। इस चैप्टर का नाम वैसे तो दी हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा की सभ्यता है। इस सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस सभ्यता को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के जो पहले के स्थल मिले हैं वो सब इंडस वैली के किनारे ही मिले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एक अन्य नाम मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो शुरुआती साइट्स, बिगिनिंग साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के शुरुआत के जो स्थल मिले हैं वो किस नदी के किनारे से मिले हैं, इंडस रिवर के किनारे से, सिंधु नदी के किनारे से। इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें इस सभ्यता के समय की, कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो वैसे इस सभ्यता के शुरुआत के लिए इतिहासकार कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। 4000 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व नाम दिया जाता है, लेकिन जो मेच्योर्ड पीरियड है इस सभ्यता का, तो इट स्टार्टेड फ्लोरिस एलंग द रिवर इंडस। इंडस रिवर इस समय कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, उसके आसपास 2600 BCE, बिफोर कॉमन इरा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, या आप ये कह लें BC बिफोर क्राइस्ट पहले इसका नाम दिया जाता था, अभी BCE बिफोर कॉमन इरा नाम दिया गया है। और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इट लार्जेस्ट बोन्स ब्रोन एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये जो है ये उस समय की पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रोंज सिविलाइजेशन थी। और इस सभ्यता के अवशेष विश्व के आज के समय के जो तीन महत्वपूर्ण देश हैं, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, उन तीनों देशों में मिले हुए हैं। और अगर हम बात करें तो भारत में ही काफ़ी लंबे चौड़े दायरे में इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में स्थल है माडा, महाराष्ट्र में दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में आलमगीरपुर, और उधर सुदूर अफगानिस्तान, पाकिस्तान में सुक्ता गिंडोर। तो काफ़ी लंबा इसका एरिया है। और यह सभ्यता जो है उस समय की जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ थी उसकी समकालीन सभ्यता है। एज इन मेसोपोटामियन इजिप्ट, यू हैव रीड इन क्लास 11th, अर्ली सिविलाइजेशन, ये उस समय की सिविलाइजेशन है। और इंडियाज फर्स्ट सिविलाइजेशन, ये भारत की सर्वप्राचीन सभ्यता है, और ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन है। एज इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, अर्ली सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड चाइना इमर्ज्ड इन रिवर वैलीज। उस समय की विश्व की जितनी भी सभ्यताएं थी सब नदियों के किनारे पुष्पित और पल्लवित हुई। द रिवर्स ऑफ द इंडस, द वैलीज ऑफ द इंडस रिवर वैली ऑफ द रिवर सपोर्टेड ए फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन दैट एक्सटेंडेड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम द हिमालयन टू द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। यानी कि जैसा कि हमने पूर्व में ये आपको बताया, यह सभ्यता जम्मू कश्मीर में मांडा से, और इधर अरेबियन सी के किनारे बहुत सारे स्थल इसके पाकिस्तान में, भारत में लोथल, नागेश्वर, धौलावीरा वगैरह विकसित हुए। और अब आर्कियोलॉजिस्ट हैव मोर देन 1000 सेटलमेंट इन द रीजन। इन क्षेत्रों में इतिहासकारों को, जो पुरातत्वविद थे, बहुत सारे छोटे बड़े स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे। टू ऑफ द मेजर सिटीज वी आर गोइंग टू डिस्कस आर हड़प्पा एंड मोहन जोदाड़ो। हड़प्पा और मोहन जोदाड़ो ये दोनों वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हड़प्पा एंड मोहन जोदड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे वो आवासीय बस्तियाँ
और तमाम तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं जो कि खुदाई में इनके अवशेष मिले हुए हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि इसका एक प्रमुख शहर है, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। जैसा कि हमने अपने एक पहले के वीडियो में बताया है, आप उसको देखेंगे जान पाएंगे कि इसकी जो शुरुआत की सभ्यता का नाम रखा गया था वह सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया था। क्यों? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे शुरुआती दौर में पुष्पित पल्लवित हुई, या यूं कह लीजिए कि इतिहासकारों को जो शुरुआती साइट्स स्थल मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे मिले। लेकिन आगे चल करके सिंधु घाटी के अलावा दूसरी नदियों के किनारे, जैसे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, तो उधर लोथल भगवा नदी के किनारे, और बहुत सारी नदियां जो कि उस समय उस पूरे महाद्वीप में बहती थी उनके किनारे मिले, तो इतिहासकारों में इस बात को लेकर के विचार विमर्श हुआ कि जब इस सभ्यता के अवशेष दूसरी नदियों के किनारे भी मिले हैं तो फिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाए, इससे तो इसका नाम सीमित लगेगा। तब उन्होंने जो पहला खोजा गया स्थल था, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग इस सभ्यता का नाम कौन सी सभ्यता रखेंगे, हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। एक नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है, तो वो हड़प्पा है। इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, किस तरह की सिविलाइजेशन थी ये शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी ये उस समय की जो सभ्यताएं थी लगभग ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ये जो सभ्यता है हड़प्पा की ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। और इट्स राइटिंग इज नॉट डिसिफियर्ड, इस सभ्यता की जो लिखावट है, जो लेखन कला के अवशेष मिले उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और 1900 BC के आसपास इसके जो साइट्स थे वो धीरे धीरे डिसअपीयर्ड होने लगे, अबैंडन ड्यू टू सम रीजंस, बहुत सारे कारण थे, ये हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण वाले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। और लगभग एक 50 वर्ष जाते जाते इस सभ्यता का पतन हो गया, ख़त्म हो गई सभ्यता धीरे धीरे, और फिर वहाँ पर नई सभ्यताएँ विकसित होने लगी। हड़प्पा सभ्यता जो थी, पीरियड इसका, पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके तीन फेज थे प्रमुख। देखो, सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 BC एंड 1900 BC। इसकी जो मोटा मोटा जो टाइम बताया गया है वो 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व तक इसका बताया गया है ड्यूरेशन। और इनके जो थ्री फेज हैं, इसमें पहला द अर्ली हड़प्पन कल्चर, प्रारंभिक हड़प्पा की सभ्यता 2600 ईसा पूर्व के पहले, लगभग उसको आप 4000 ईसा पूर्व मान लें, 4500 ईसा पूर्व मान लें, 5000 BCE मान लें, क्योंकि राजस्थान के आसपास जो झूकर झांगर संस्कृति है वहाँ पर भी प्री हड़प्पन कल्चर मिले हुए हैं। इसके बाद द मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर का जो पीरियड है 2600 to 1900 BCE, यही सभ्यता के मेन डेवलपमेंट का टाइम है। इसके बाद उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता, लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन 1900 BCE, ये एक टाइम भी दिया गया है। अब इस सभ्यता के जो स्थल मिले हुए हैं, प्रमुख स्थल, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रमुख शहर मिले, ये सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ डेवलप हुई, जिसमें कालीबंगा राजस्थान में, ये एक्चुअल में यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हुई है बैंगल, तो उसी चूड़ियों की वजह से इस स्थल का नाम कालीबंगा रख दिया गया। ये राजस्थान में है। लोथल
यह एक डॉकयार्ड था, सी पोर्ट, यहाँ से व्यापार और वाणिज्य हुआ करता था इन लोगों का। और ये गुजरात में है राखीगढ़ी, यह एक विकसित हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा में है। धौलावीरा यह भी गुजरात में है, यहाँ से बहुत बड़ा वाटर रिजर्वियर मिला हुआ है। रोपड़ पंजाब में है, हड़प्पा पाकिस्तान। इसी तरह से गणेनीवाल, चन्हुदड़ो, सुक्ता गेंडोर, मोहनजोदाड़ो, चूँकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदाड़ो एक फिल्म भी आ चुकी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। आमरी, बालाकोट, कोटदीजी, रंगपुर, नागेश्वर, गणेनीवाल, ये तमाम तरह के स्थल जो है इस सभ्यता के उस समय के मिले हुए हैं। ये सभ्यता के प्रमुख है, वो हैं साइट्स, आप देख सकते हैं। ये धौलावीरा यहाँ पर है गुजरात में, ये आपका नागेश्वर है बिल्कुल ओखा पोर्ट के पास, और ये जहाँ कर्व है ये लोथल का क्षेत्र है। इसी तरह से इसको आप जब भारत के मानचित्र में रख करके भरेंगे तो बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। मेजर डेवलपमेंट इन हरप्पन आर्कियोलॉजिस्ट, ये जो पुरातत्वविद थे उन लोगों ने इस सभ्यता को पूरी दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया, और इसके कितने फेज थे, कितने चरण थे, कैसे ये सभ्यता पूरी दुनिया के सामने आई, क्योंकि ये तो बिल्कुल दबी पटी पड़ी हुई थी, किसी को भी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसको हम लोग अपने अगले पीरियड में देखेंगे, अगले वीडियो में हम बनाएंगे इसे।